फॉल्ट है, नो पिक्चर, बैकलाइट ओके, साउंड ओके। इकॉन में बक वोल्टेज बन रहे हैं, बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं। टिकॉन को अलग से चेक करने के लिए मैं यूनिवर्सल बोर्ड की हेल्प लेके आपको बताऊंगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। 11.42 वोल्ट इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं, 3.3 वोल्ट ओके है। AVDD वोल्टेज जो मैं चेक कर रहा हूँ, बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, -8 वोल्ट वी ऑफ सप्लाई बन रही है। अब मैं डायोड टेस्ट में AVDD टेस्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच में डायोड टेस्ट लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग 0.001 की है। मैं शॉर्ट किलर शॉर्ट फाइंडर टेस्ट करूँगा, जिसके लिए मैं DC पावर सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ। पावर सप्लाई से जो ग्राउंड आ रहा है मैंने टिकॉन पे लगा दिया है, टिकॉन के ग्राउंड के साथ, और जो पावर सप्लाई से प्लस वोल्टेज आ रहा है मैं मल्टीमीटर की रेड प्रोब के साथ टैग कर दूंगा। शॉर्ट फाइंड करने के लिए मल्टीमीटर को मैंने एम्पियर की रेंज में रखा है। अभी मेरी जो रेड प्रोब है उसमें पावर सप्लाई से आने वाले 30 वोल्ट को मैंने लगा दिया है, और जो माइनस प्रोब है जो मल्टीमीटर से सीरीज में आ रही है वो मैं टच करके पल्स दूंगा, ताकि मैं फाइंड कर पाऊँ कि कौन से कंपोनेंट शॉर्ट हैं। इसके लिए मैंने पावर सप्लाई को 17.5 वोल्ट पे रखा है। अभी जो पावर सप्लाई से प्लस वोल्टेज आ रहा है वो करंट मीटर के थ्रू, यहाँ पर मैं जब टच करता हूँ तभी पल्स मिलेगा, टच करने पर पल्स मिलेगा। उससे मुझे चेक करना है क्या चीज़ गर्म हो रही है, जो चीज़ गर्म हो रही है वही खराब है, हमें वही ढूंढना है इसमें। सो शॉर्ट किलिंग और शॉर्ट फाइंडर का मतलब ही ये होता है कि हम इस टेक्निक से वो कंपोनेंट को ढूंढते हैं जो गर्म हो रहा है, मतलब खराब है। टेम्परेचर टेस्टर की मदद से मुझे पता चल जाता है यहाँ पर ये PF खराब है, तो इसे हमें रिप्लेस करना होगा। अब मैं डायोड टेस्ट कर लेता हूँ AVDD लाइन की। यहाँ पर मैंने डायोड टेस्ट के लिए डायोड में रखा हुआ है मीटर को, और यहाँ पर 0.41 की रीडिंग दे रहा है, और ये जो शॉर्ट PF था वो 0.00 की, जो कि मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर। लोकेशन नंबर C622 पे जो PF लगा था अब मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब हम चेक करेंगे AVDD पे जो 16 वोल्ट बनने चाहिए वो बन रहे हैं या नहीं। AVDD का जो वोल्टेज है वो एक MOSFET के थ्रू, पी चैनल MOSFET के थ्रू स्विच होके आ रहा है। सोर्स पर तो 15.6 वोल्ट आ चुके हैं, लेकिन ड्रेन पर ये वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। इसके लिए मुझे एक सिंपल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसमें मैं गेट पिन को ग्राउंड कर दूंगा और चेक करूंगा ड्रेन पर 16 वोल्ट आते हैं या नहीं। अगर जो 16 वोल्ट आ जाते हैं तो MOSFET ओके है, गेट ड्राइव जो DC-DC से आती है वो बंद है। पी चैनल MOSFET की गेट पिन को मैंने शॉर्ट कर दिया, और मैं अब चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि ड्रेन पर अभी 16 वोल्ट बन चुके हैं, जो कि AVDD पंप के लिए जाते हैं। अब पंप सर्किट चालू हो जाने चाहिए। यहाँ पर 27 वोल्ट मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ 27 वोल्ट VGH अब बन चुके हैं, और -8 पहले से ही बन रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं VGH जो गेट कॉप में जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 वोल्ट बन रहे हैं। अब हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से दिख रही है। इसमें जो प्रॉब्लम है ये FFC केबल की है, और चेक करने पर पता चला कि FFC केबल डैमेज थी, हमने कट करके इसे रिपेयर किया। FFC केबल रिपेयर करने के बाद मैं अब चेक करता हूं, तो यहां पर मुझे पता चलता है कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें नेगेटिव पिक्चर आ रहा है। अब इसे किस तरह से ठीक करना है हम देख लेते हैं। अब हम गामा वोल्टेज चेक कर रहे हैं। यहां पर VGM है 0.1 पे 15.17 वोल्ट, और VGM है 2 14.9, VGM है 3 12.8, VGM है 4 11.26, VGM है 5 10.19, VGM है 6
8.29, VGA में 7, 8.09, VGA में 8, 7.7, VGA में 9, 7.5, VGA में 10, 5.4, VGA में 11, 4.49, VGA में 12, 2.9, VGA में 13.5, VGA में 14, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है। अब हम वीकॉम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वीकॉम वोल्टेज यहाँ पर है, सो वीकॉम वोल्टेज जो है वो है 170 मिली वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट ही समझ सकते हैं आप, मतलब वीकॉम वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, 6 वोल्ट करीब आने चाहिए थे। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी हीटिंग कितनी है आईसी की। ये आईसी वीकॉम वोल्टेज बना रही है, यहाँ पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। ये डीसी टू डीसी 44 डिग्री, टिकॉन प्रोसेसर 47, हाईएस्ट डिग्री जो सेंटीग्रेड यहाँ पर बता रहा है वो है 55.6 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पर ये आईसी ख़राब है। हम छूकर नहीं देखेंगे बिकॉज हीट इतनी होती है आपकी उंगली जल सकती है। आपको इस तरह के टेम्परेचर टेस्टर का ही यूज़ करना चाहिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लूक 59 मिनी हाई आर थर्मोमीटर। ओके, सो इट इज़ अराउंड 56 एंड इट्स स्टिल राइजिंग। ओके, सो आईसी हम रिप्लेस करके देखेंगे आप। आईसी हम डाल रहे हैं, हम देख लेते हैं इसमें वीकॉम लाइन टाइप टेस्ट ले रहे हैं अभी, तो यहाँ पर 0.002 बता रहा है। मेरे पास दूसरा बोर्ड पड़ा है, उसमें भी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर वीकॉम और ग्राउंड के बीच में 0.596 के रीडिंग दे रहा है। ठीक है, और इसमें बता रहा है शॉर्ट। सो है तो शॉर्ट, लेकिन क्या ये आईसी में जाकर शॉर्ट हो रहा है या कोई पीएफ शॉर्ट है, हम देख लेंगे क्या पीएफ शॉर्ट है। ठीक है, वोल्टेज दे रहे हैं, कितना देना है, 5.6 से लेके 6 वोल्ट, मैं 6 वोल्ट दे रहा हूँ इधर। ठीक है, 6 वोल्ट मैंने कर दिया है। करंट में मीटर को रखेंगे एम्पियर में, और एम्पियर में मैंने रेड प्रोब डाल दिया, और जो पावर सप्लाई से प्लस वायर आ रही है मैंने ये लाल तार पे लगा दिया जो कि मीटर से आ रही है। ठीक है, और माइनस तार पे 5.9 वोल्ट है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ओके, अब हम करंट भी दिखाएंगे आपको क्या हो रहा है करंट के साथ, और साथ में हम वो भी देखेंगे कि क्या चीज़ गर्म हो रही है। देखिए, अगर जो ये पीएफ गर्म हो रहा है, कोई भी पीएफ गर्म हो रहा है तो पीएफ ख़राब होगा, आईसी गर्म हो रही है तो आईसी ख़राब होगी। तो मैं पल्स देना शुरू कर रहा हूँ, ये मैं टच कर रहा हूँ तब आप देख रहे होंगे स्पार्क हो रहा है, और मैं हीटिंग चेक कर रहा हूँ तो ये पीएफ पे आ रही है हीटिंग। सभी पीएफ को हम निकाल के एक साइड खड़ा कर देंगे। ठीक है, और फिर बारी बारी चेक करेंगे। ये तीनों पीएफ में से एक शॉर्ट है अभी, हम पीएफ चेक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पीएफ मैं चेक कर रहा हूँ,
तो ये शॉर्ट नहीं है। सेकंड पीएफ ये 0.020 से शॉर्ट है। थर्ड पीएफ नहीं है शॉर्ट। अब हम पीएफ की वैल्यू देख लेते हैं फर्स्ट और लास्ट की। सेकंड तो शॉर्ट है लेकिन हम वैल्यू देख लेते हैं इसकी कितनी है। ये है 10 माइक्रोफेरेड और ये भी 10 माइक्रोफेरेड है और बीच वाला नहीं बताएगा बिकॉज वो शॉर्ट है। ओके ठीक है। 34 ओम्स की शॉर्टिंग है। ओके सो अभी मैं पीएफ रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, अभी एक पीएफ जो ख़राब है शॉर्ट है वो नहीं लगाएंगे हम। ओके इसमें से ये शॉर्ट था 626। ओके सी 626 निकाल दिया। अब हम वोल्टेज ले लेते हैं, हमारे जो वीकॉम के वोल्टेज थे वीकॉम कॉफ, यहाँ पर 6.94 वोल्ट आ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब अब ये ओके है, आईसी पर कोई हीटिंग नहीं है। ठीक है, 6.9 वोल्ट आ गए। गामा के वोल्टेज हम चेक कर लेंगे दोबारा से। गामा टेस्ट पॉइंट 1 14.9, गामा टेस्ट पॉइंट 2 14.7, गामा टेस्ट पॉइंट 3 12.9, 4 11.4, 5 10.4, 6 8.9, 7 8.7, 6 7.41, गामा टेस्ट पॉइंट 5 7.2, 4 5.41, 3 4.25, 2 2.6, 0.5, ठीक है लास्ट पॉइंट 0। ओके सो सभी गामा के टेस्ट पॉइंट्स हमने चेक कर लिए और गामा टेस्ट पॉइंट्स भी ओके, आईसी हीट नहीं हो रही है। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, मैं अभी चेक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो फॉल्ट था हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। ओके